let it bang. That is green chicken, जिसको हम धनिया चिकन भी बोल सकते हैं। धनिया चिकन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये मेरा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा वे से बना सकते हो। तो इस प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत टेस्टी भी बनता है। तो पहले चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। तो पहले देख लेते हैं मैरिनेशन में हमें क्या क्या लग रहा है, उसके बाद में बाकी का इंग्रीडियंट्स आपको बता दे रही हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं मैरिनेशन के लिए हमें एग्जैक्टली क्या क्या लगने वाला है। पहले तो मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के प्याज लिया है, मैंने यहाँ पे चार पांच मैंने ग्रीन चिलीज लिया है, 20 के करीब मैंने गार्लिक लिया है, यहाँ पे 1 इंच जिंजर लिया है, और यहाँ पे धनिया 50 ग्राम्स के अराउंड मुझे धनिया लगेगा, एंड जो चिकन है वो 500 ग्राम्स के करीब लगेगा, एंड अराउंड 50 ग्राम्स के करीब मुझे दही लगेगा। आपको देख लेना है, दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो पहले एक मैं पेस्ट तैयार करूंगी जो कि होगा प्याज का। प्याज, धनिया, गार्लिक, ये सब चीजें जाएंगी इसमें। जिंजर को मैं पीस में काट लेती हूँ। इसको पहले पेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं धनिया डाल के फिर मैं इसको बाकी का पेस्ट करूंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा पेस्ट किया, उसके बाद मैं जो धनिया है वो डाल दूंगी इसमें, फिर मैं बाकी का पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है, अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी। तो पहले मैं ये जो दही है इसको अच्छे से सेक लूंगी। सेकना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकने के बाद इसको चिकन में डाल देंगे। पेस्ट हमने बनाया था इसको भी हम डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, इसको अच्छे से मैं हाथों से मिक्स कर दूंगी। तो पहली बात तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट इसको आप बाहर रखिएगा। देन आफ्टर दैट इसको फ्रीजर में रख दें 2-3 घंटे, उसके बाद कुक करें तो अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना तो आई विल सजेस्ट कि 1 घंटे रखिए, उसके बाद पूरा कुकिंग कर लीजिए तो भी चलेगा। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको हम 30 मिनट्स के लिए बाहर रख देंगे, फिर इसका कुकिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। ग्रीन चिलीज की जो मात्रा है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाऊंगी तो इसीलिए मैंने ग्रीन चिलीज थोड़ी सी ज्यादा ही डाली है, क्योंकि इसमें अच्छा लगता है खाने में। तो ये चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला था, मैंने 2 घंटे इसको मैरिनेट किया था। इसमें और लगेगा हमें हल्दी पाउडर, सूखी लाल मिर्च, धनिया पाउडर एंड गार्निशिंग के लिए थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई हमने रख दिया है अभी गर्म होने के लिए, अभी हम इसमें रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे। मैं मेंशन करना भूल गई इसमें कि रिफाइंड ऑयल मैं यूज करूंगी। रिफाइंड ऑयल लगेगा मुझे 4 से 5 चम्मच मुझे लगेगा रिफाइंड ऑयल। इसको गर्म होने देंगे, जैसे ही गर्म होगा
इसमें हम डाल देंगे पहले सूखी मिर्च। हल्का सा फ्राई होने देंगे। थोड़ा सा हल्का फ्राई होने देंगे। तो मिर्ची थोड़ी सी फ्राई हो गई है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा एकदम तो पिंच भर हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर एंड एक चम्मच के करीब इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर। तो थोड़ा सा भून लेंगे, मसाले को भूनना है, ज्यादा देर तक नहीं भूने तो जल जाएगा। थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, इस पॉइंट में मैं जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डाल दूंगी धीरे धीरे। तो फ्लेम को एकदम धीरे रखना है, उसके बाद ही डालिएगा। उसको हाई फ्लेम में 3 मिनट के करीब उसमें कुक कीजिए। आफ्टर दैट हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में कर देंगे। इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूंगी, पहले मैं नमक दे चुकी हूँ और थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है, इस अकॉर्डिंगली नमक डालूंगी। ग्रेवी धीरे धीरे अपना तेल छोड़ेगी, अगर आपको इसको थोड़ा सा ड्राई करना आप ड्राई कर सकते हो, चिकन पक गया है, मैं थोड़ा सा इसको ड्राई करना पसंद करूंगी। इस स्टेज पे भी आप गैस टर्न ऑफ करके आप इसको सर्व कर सकते हैं, अगर जिसको ग्रेवी चाहिए होगा, नहीं तो इसको और सुखा भी सकते हैं। इस पॉइंट तक हम इसको पकाएंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको ग्रेवी रखूंगी। तो इस पॉइंट में मैं करती हूँ गैस को टर्न ऑफ, चिकन हमारा पक गया है तो इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम से थोड़ा सा सोच रही हूँ कि डेकोरेट कर दूँ। फ्रेश क्रीम इज ऑप्शन, आप चाहें तो दे सकते हैं, अच्छा लगता है।
अब इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे। कोरिएंडर पाउडर थोड़ा, कोरिएंडर लीव्स मैंने थोड़ा सा बड़े रखे हुए। तो रेडी है कोरिएंडर चिकन। से ग्रीन चिकन और धनिया चिकन बनके तैयार हुआ है। इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स तो लगते नहीं है जैसा आपने देखा। एंड बाकी का जो चीज है, जैसे इसको आप स्टार्टर जैसे भी खा सकते हो, या तो फिर नान के साथ भी खा सकते हो, कुलचा के साथ भी खा सकते हो, बेटर ये नान के साथ लगता है। एंड स्टार्टर के हिसाब से मैं बोलूंगी, अगर इसको पूरा ड्राई कर लो तो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। मैरिनेशन की बात करें तो जितना आप मैरिनेट करके रखोगे उतना ही डिलीशियस बनेगा। मैंने 2 घंटे के करीब, दो तीन घंटे मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा मैरिनेशन के लिए रखें तो बेटर है। प्लीज इसको जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, एंड मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा बना। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल में आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज डू शेयर ऑल्सो। तब तक के लिए थैंक यू।